हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और मैं और एकता, हम दोनों जा रहे हैं किसी काम से मार्केट। बहुत इवनिंग के टाइम पे निकले हैं और ये देखो खेत ही खेत है इस साइड में। पता नहीं किस चीज़ की खेती हो रही है और बस का वेट कर रहे हैं। बस हम लोग जो है टाइम से पहले आ गए हैं, जिस कारण से 5 से 10 मिनट का और टाइम लग रहा है। मैं भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, जब आ गए हैं स्टॉपेज पे तो बस लेके ही जाएंगे। और इतना यहाँ पे वेट कर रही है और ये मेरी दीदी इतने पीछे है और ये मेरी दीदी धीरे धीरे आ रही है धूप का आनंद लेते हुए। पसीने पसीने हो गई है बेचारी को, आज हम पैदल चलवा दिए। ये पेड़ में पता नहीं कौन सा फूल है, ये देखिए। इसको मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। कैसा लग रहा है एकता? यही करो। वो तो अच्छा हुआ कि इवनिंग का टाइम है, अदरवाइज अगर आफ्टरनून का टाइम रहता बंद हो गया क्या ब्लूटूथ? ये हमारे पीछे आ रही है बस। हाँ, आगे चला गया। हम लोग उतर चुके हैं, अब यहाँ से हमें ऑटो से जाना है या फिर रिक्शा से। ये दीदी गुपचुप खा रही है, तीखा तीखा। बोलो। हाँ, और ये मिलर ककड़ी ले रहे हैं। भैया एक खराब होगा इसमें, पीला पीला था। नहीं नहीं ये नहीं, इसके अंदर हम देखे थे। कौन सा कह रहे हैं? ये निकाल दो। फ्रेश फ्रेश ककड़ी। टमाटर 40 रुपये किलो। खाली खाली भैया, हो गया इसका? एक तो यहाँ पे सोडा पानी पी रही है, मेरा भी आ गया है, मैं भी पी लेती हूँ। एकता चूड़ी देख रही है क्योंकि दीदी के लिए लेना है, तभी फिलहाल देख रहे हैं हम लोग। दीदी को राधा कृष्ण वाला चूड़ी बहुत पसंद है। हाँ,
ये है नजफगढ़ का मार्केट और यहाँ है बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की ओर। सारा शॉपिंग हो गया आज का और हम जा रहे हैं घर की ओर। वहाँ से ऑटो या कैब करेंगे, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे एकता गोला खाने लगी है। उसने मेरे से पूछा गोला खाओगी, मैंने बोला नहीं, तो बोले मैं तो खाऊंगी, तो बोले खाओ। अरे नहीं आएगा तो नहीं आने, तुम बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। भैया गोला बना रहा, मुझे भी दे देना भैया, मुझे भी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एकता बोल रही है अभी तो बोली नहीं खाएगी, हाँ बट अभी मेरा मन हो गया खाने का तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, मैं पैर भी दर्द हो रहा है। एक घंटे से एक फालतू का ये लड़की हमको इधर उधर करवा रही है। तो रीज़न कौन है, तुम ही हो ना। इतना गर्मी है ना, पेमेंट की तो खट्टा मीठा ही दे देना मुझे, खट्टा मीठा ही दे देना मुझे, मैं खाऊंगी गोला खट्टा मीठा, खट्टा मीठा गोला। और ये मेरा गोला आ गया, अब मैं इसे खाने वाली हूँ। अभी यहाँ पे इंसिडेंट ये हुआ है कि हम जिस बस में चढ़े हैं, एक आंटी है उनका फ़ोन चोरी हो गया है, और ये कोइंसिडेंटली है कि हमारे पास सभी के जो है बैग चेक कर रहे हैं भैया, अभी भी चेक करेंगे। एक हाथ से पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैंने उस पे हाथ रखा हुआ था। और जिसका फोन चोरी है वो भी वीवो का सेट है, मेरा भी वीवो का सेट है। अच्छा, एकता बोल रही है कि जिनका फोन चोरी हुआ है उनका भी वीवो का सेट है और एकता का भी वीवो का सेट है। अगर आप लोग फोन लेके चढ़ते हो, ये जो आपका, हाँ ये DTC बस में अगर आप चढ़ते हैं, रेलवे अगर DTC बस में आप चढ़े हैं तो बहुत सोच समझ के चढ़ना, क्योंकि ये मेरे सर्किट में ये सेकंड टाइम ऐसा हो चुका है। एक तो अभी आंटी का हुआ है और एक पहले इसके पहले मेरे भाई का भी हो चुका था। तो हम लोग, हाँ छोटू का तो 2 से 3 दिन का टाइम हुआ था और उसका फ़ोन जो है चोरी हो गया था। उस टाइम से हम लोग बहुत सोच समझ के फ़ोन बस के अंदर लाते हैं। एक
का तुम क्या बताना चाहती हो बताओ। ये कि फोन अपना सेफ्टी से रखें, ज्यादा ब्लॉग ना निकाले फोन निकाल के। क्या बोल रही है, सुन रहे हो? इसका दिमाग ना भ्रष्ट हो चुका है। ब्लॉग ना निकाले, ब्लॉग ना निकाले, मोबाइल निकाल के। ब्लॉग नहीं बने, मोबाइल निकाल के। कंडक्टर वाले भैया बोल रहे हैं कि जिसने भी मोबाइल को निकाला होगा वो बस में नहीं चढ़ा होगा, वो बस से उतर गया होगा। तो अरे साइड में ले, देखिए लस्सी आ गई, हमने इसे अनपैक भी कर लिया। इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी थी, लस्सी लीक नहीं कर रही थी। अब चलिए चेयर्स करते हैं और पीते हैं। चेयर्स। क्या दीदी? मुझे इस बात से मुझे एक चीज याद आई, हिंदी फिल्मों में प्यार कैसे होता है। पहली बार साजन की आंखों में प्यार, बस हो गया प्यार। किसी को अपना सोलमेट चाहिए, सच्चा मेड फॉर ईच अदर चाहिए, तो आप किसी लड़की। और ये लस्सी 1000 रुपए किलो है, फिलहाल हम लोग 100-100 ग्राम पी रहे हैं। हैं 1000 रुपए किलो, ये महंगा वाला है। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ मुझे दिख तो नहीं रहा है, केसर का एक तार वार पड़ा हो। समुंदर बैठा हुआ है, प्योर गारा है ना, मछली पिए तो उससे अच्छा है ना। प्योर गारा नहीं है, प्योर दही का है तो गारा ही ना होगा। दही कैसा होता है, मक्खन वाला दही है, घी वाला जिसको बोलता। मुझे अच्छी नहीं लगी। सच में बहुत अच्छा है। ले एक बार जो सच में नहीं पियोगी? सच में नहीं अच्छी लगी, पता है। हम लोग जो एक दफा पी लेंगे, पैकेंगे, इतने हमको बहुत टेस्टी मुझे नहीं अच्छा लगा। अरे दीदी आपको प्यार करना है ना, मुझसे पूछिए मेरी लस्सी। लस्सी को अच्छे प्यार होगा हमें पर। नहीं करना है, I'm not लसो। आप लोग समझ रहे हैं लसो को मतलब। ऊपर गए विजय पूछी मिल गए से, हम बोले लस्सी तो होती असी। तो तुम क्या बोल रही थी? असा। अच्छा अच्छा, असा। ये मेरी लैंग्वेज खराब कर दी है, मैं यूपी की हूँ। मुझे जनरली हम लोग यूज़ क्या करते हैं कि हम तुम्हें दो वीडियो भेजे हैं, तुम उसे देख लो। तो लेकिन मैं इससे बात करते करते क्या बोल रही हूँ, बिहार में ए, हम तुमको दो को वीडियो भेजे हैं देखो तो। दो तीन को हाँ, दो तीन को वीडियो भेजे हैं देखो तो। संगति का सिर है। और एक और अभी आज इससे हम कह रहे हैं, क्या अरे तुम कितना पैसा बर्बाद करती है। हमारे यूपी में बोला जाता है तो तुम कितना पैसा वेस्ट करती हो, हाँ इतना पैसा क्यों वेस्ट करती हो। जबकि पता है हर दुकान में जाने के बाद एक तरफ हम वहाँ से खींच के लाया कि नहीं लेना है, नहीं लेना, फिर भी उल्टा पुल्टा सामान लेके चली आ रही है। ये बहुत पैसा वेस्ट करती है, गौर से देखिए इस चेहरे को, इस मासूम चेहरे के पीछे एक बड़ा हैवान छुपा है, पैसों का लाल, पैसों के लिए लालची हैवान। ये देखिए आँखों से दिख रही है, इसकी आँखों के अंदर है। ये कैसे हो गया है, यहाँ के ऊपर दाग है। हाँ मच्छर काटा है। कब? ओके तो मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ खाना बनाना है, खाने के लिए बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही है। टाइम क्या हो रहा है इस टाइम? बैटरी लो होने वाला है। 9:26 और हमने अभी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। 9:26 हो गया। आपको क्या लगा 7 बज रहा है? मैं चलती हूँ, मैं अपना फ़ोन छोड़ के आई हूँ, मेरे आर्य का फ़ोन आ रहा होगा। कर दोगी? बाय। आप पहली बार बोल रही हैं हम कर देंगे। नहीं बोले हम। क्या कर दोगी? पेट में साथ बोले तो बोली नहीं, हम कर देते लेकिन हम जा रहे हैं करने खाने। बहुत दुष्ट है तुम, पता है अपने काम से लेके गई हमको उतना फालतू जगह पे, मन कर रहा था हम गिर जाएं कहीं पे। हमको लग रहा था ये भगवान हम क्यों, कौन मेरा मती मारा गया था जो हम तुम्हारे साथ आए थे। पता है कौन कौन सा गाँव रैपिडो वाला हमको घुमा के लाया? 5 गाँव घूम चुके होंगे, 5 गाँव वहाँ, तभी भी मेरे हमको बर्तन नहीं मिल रहा था। हम बोले भैया अरे अपने रैपिडो वाले बोले मेरी दीदी नहीं आई है अभी तक, हम पहले आ गए, वो पहले निकली थी।
हम पीछे बार बार घूम के देख रहे हैं, पीछे हमने बिटोरे को बोले क्या कितना सीधा तो रास्ता है यार ऐसे ऐसे। नहीं वो बोलते हैं मैडम आपको पता है वो कितना तेज रास्ता है, वो जाने लायक है रास्ता। बोले आपको कोई कंफर्टेबल रास्ता हो जो जल्दी पहुंचा दे वही ले लीजिए, तो आप बताइए आप ही बता दीजिए ना, इतना रात में हम आपको लेके जा रहे हैं, अगर कुछ हो जाएगा तो। हमने अंदर अंदर तो लग रहा था मेरे पास एक मोबाइल भी नहीं है, किसी का नंबर भी याद नहीं है, हाथ में बस 50 रुपया था दोनों मेरे पास। तो ये है इनकी आज की दुख भरी कहानी। ओके गाइस मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा, बाय बाय, सोन इन नेक्स्ट ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग किस पे होगा पता है? ये इस काली माता को मैं रियल काली माता का अवतार दूंगी। बाय, बनूंगी ना काली माता। काली माता बनूंगी ना पक्का, काला करेंगे पूरा, काजल लगा के। क्या लगा के? काजल देखो तुमको मच्छर दिखा दे, देखिए गाइस उनको दिखा देते हैं। हम एक मशीन मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से, हम जा रहे हैं। देखिए ये मशीन है, ठीक है हम आते हैं। ये मशीन है फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर मशीन है।